बच्चों, आज हम महात्मा बुद्ध, जो एक सिद्ध पुरुष हुए हैं, उनके जीवन की एक सत्य घटना के बारे में पढ़ेंगे, जिन्होंने प्रेम, करुणा और अहिंसा के द्वारा एक डाकू जिसका नाम अंगुलीमाल था, उसका भी हृदय परिवर्तन कर दिया। पाठ 14, अंगुलीमाल। इस पाठ में कुछ पात्र हैं: महात्मा बुद्ध, अंगुलीमाल जो एक डाकू है, गांव का मुखिया और कुछ लोग। पहला दृश्य: शाम का समय, गांव की चौपाल पर बैठे लोग बातें कर रहे हैं। पहला व्यक्ति बोला, मुखिया जी, डाकू अंगुलीमाल के कारण सारे गांव का जीना दूभर हो गया है, लोग जंगल की ओर जाने से डरते हैं। दूसरा व्यक्ति, हाँ भैया, यह डाकू है ही इतना क्रूर कि उसके नाम से ही डर लगने लगता है। सुना है वह जंगल से गुजरने वाले यात्रियों को पकड़कर मार डालता है और उनकी अंगुलियों की माला बनाकर पहनता है। पहला व्यक्ति, हमारे कितने ही भाइयों की रोजी रोटी खतरे में पड़ गई है, वे बेचारे जंगल से सूखी लकड़ियां काटकर गुजारा करते थे, पर अब अंगुलीमाल के भय से कोई जंगल की तरफ नहीं जाता। महात्मा बुद्ध का आगमन। सब खड़े होकर उन्हें प्रणाम करते हैं, बैठने के लिए आसन देते हैं। महात्मा बुद्ध भी उन्हें आशीर्वाद देते हैं। मुखिया बोला, प्रभु, आपके चरण हमारे गांव में पड़े, हम धन्य हो गए। क्या आप किसी विशेष कार्य के लिए पधारे हैं? महात्मा बुद्ध बोले, नहीं भाई, हम तो गया जा रहे थे, यहाँ रात्रि विश्राम के लिए रुके हैं, किंतु आप लोग इतने दुखी और भयभीत क्यों दिखाई दे रहे हैं? मुखिया जी बोले, प्रभु, पास ही जंगल में डाकू अंगुलीमाल ने उत्पात मचा रखा है, गांव के लोग उससे बहुत दुखी हैं, आपसे भी प्रार्थना है कि आप जंगल से होकर यात्रा न करें। महात्मा बुद्ध, आप लोग चिंता ना कीजिए, अंगुलीमाल हमारा कुछ न बिगाड़ेगा, हम उससे भेंट अवश्य करेंगे, आप निश्चिंत हो जाइए। दूसरा दृश्य, घना जंगल। महात्मा बुद्ध जा रहे हैं, सामने से अंगुलीमाल आता है। अंगुलीमाल बोला, ए रुक जाओ, मेरे इलाके में इस तरह निडर होकर घूमने का साहस तुमने कैसे किया? महात्मा बुद्ध बोले, मुस्कुराते हुए शांत भाव से, आओ अंगुलीमाल, हम तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। अंगुलीमाल बोला, चेहरे पर हैरानी, मूर्ख, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? महात्मा बुद्ध, डर कैसा भाई, हम तुम्हारे इलाके में आए हैं, तुम्हारे अतिथि हैं, क्या तुम हमारा एक काम नहीं करोगे? अंगुलीमाल आश्चर्य और असमंजस में, अच्छा अच्छा, अधिक बातें ना करो, बोलो क्या काम है? महात्मा बुद्ध, भाई, जरा उस पेड़ से मेरे लिए चार पत्ते तोड़कर ला दो। अंगुलीमाल जाता है और पत्ते तोड़कर ले आता है। अंगुलीमाल, लो ये पत्ते। महात्मा बुद्ध, बस एक काम और कर दो, ये पत्ते उस पेड़ की शाखा पर फिर से लगा आओ। अंगुलीमाल हैरानी से, क्या यह कैसे हो सकता है, कहीं टूटा हुआ पत्ता फिर से शाख में लगता है? महात्मा बुद्ध प्रेम से, देखा तुमने, टूटी हुई चीज़ दोबारा नहीं जुड़ सकती, तुम लोगों के सिर काटते हो, क्या तुम उन्हें दोबारा जोड़ सकते हो? नहीं ना, तब तुम लोगों की हत्या क्यों करते हो? जब हम दूसरों को जीवन नहीं दे सकते तो हमें उनके प्राण लेने का भी कोई अधिकार नहीं है। अंगुलीमाल महात्मा बुद्ध के चरणों में गिरकर, मुझे क्षमा करें प्रभु,
मुझसे बड़ा पाप हुआ, आपने मेरी आंखें खोल दी हैं। हे प्रभु, आप मुझे सही राह दिखाइए, मैं भटक गया था, आंखों से आंसू बहते हैं। महात्मा बुद्ध, उठो अंगुलीमाल, मार काट और हिंसा का छोड़कर प्रेम का रास्ता अपनाओ। दूसरों की मदद करने और सेवा करने में ही सच्चा सुख है, इसी में तुम्हारा और सबका कल्याण है। कंधे से पकड़कर उठाते हैं अंगुलीमाल, हाथ जोड़कर, आज से मैं आपके ही बताए रास्ते पर चलूँगा। वह अपनी तलवार और गले में पड़ी अंगुलियों की माला उतारकर फेंक देता है। तो देखा बच्चों तुमने, महात्मा बुद्ध की प्रेम और करुणा के आगे डाकू अंगुलीमाल ने भी बुराई का रास्ता छोड़ दिया और अहिंसा का रास्ता अपना लिया।